बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, रविशंकर जी से, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। जी हेलो, रविशंकर जी बात कर रहे हैं? जी मैडम। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। मैं समझ गया मैडम। जी सर, आपका सवाल आया है। जी जी सर, क्या जानना चाहते हैं आप, पूछे अपना सवाल। अश्वगंधा की खेती करना चाहता हूँ मैं, और वो कनेक्ट फार्मिंग होती है ना जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बारे में जानकारी मिल जाती क्या है कि वो उपजा लेंगे अगर अश्वगंधा, तो उसको मार्केट मार्केट कैसे होगा, या फिर कोई कंपनी कांटेक्ट कर ले तो अपन खेती करना चाहते हैं उसकी। अच्छा रविशंकर जी, जी सबसे अच्छी बात तो ये कि आप ये सोच रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, इसका मतलब कि कोई खरीददार पहले ही आपके निगाह में हो। जी जी। तो अश्वगंधा तो आयुर्वेद वाले ही लेते हैं, तो आयुर्वेद कंपनी से आप ही को संपर्क करना पड़ेगा कि कौन आपसे लेने तैयार है। उसके बाद बाकी साहब मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि कम से कम ये ग्रीन टीवी वाले जो कार्यक्रम चला रहा है जी, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और वो एक नए क्षेत्र में जाएंगे। हमारा उद्देश्य भी यही है, थोड़ी सी तरक्की करेगी जी। तो हम तो बहुत आभारी हैं साहब ग्रीन टीवी वालों के, और इससे इनसे जुड़ना चाहते हैं कि कोई भी अगर कोई ऐसी कोई नई कोई खेती की टेक्निक मिल जाए तो जिससे हम लोगों का और बच्चों का सुधार हो भविष्य। देखिए, आप सब लोगों के स्नेह और सहयोग से ग्रीन टीवी अपने 3 साल पूरे कर रहा है, और आप जो समर्थन देते हैं, जो प्यार देते हैं ग्रीन टीवी को, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपके जो समस्याएं उनका पूरा पूरा समाधान हम करें, विशेषज्ञों को यहाँ लाएं, दूसरे सभी विषय के प्रोग्राम में कोई निकलने नहीं देता, मैं देखता भी हूँ, मैं मोबाइल पे भी देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं कि जी आपके ग्रीन टीवी दंदौनी राज चौगनी तरक्की कर किसानों के घर घर में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।